एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सेसफुल किचन। आज हम पनीर की एक हेल्दी सी रेसिपी लेकर आए हैं। ये हमने 1 टीस्पून गार्लिक बटर लिया है अमूल का। पनीर के पीसेस को ऐसे मैंने लंबा ऐसे स्लाइस कर लिया है। आधी शिमला मिर्च के ऐसे जूलियंस कर लिए हैं। एक छोटा प्याज ऐसे कर लिया है, काट लिया है। ऐसे इसके गोल गोल ऐसे निकाल लिए हैं लच्छे से, गोल नहीं मतलब साइड में। और थोड़ा सा लिया है तिल, भुना जीरा है, नमक स्वाद के अनुसार है। ये सॉस है, ये कीटो सॉस है, शुगर फ्री आती है। तो जो भी शुगर है, अगर ये नहीं खाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये सॉस यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन पर ये गार्लिक बटर डालेंगे। तो पैन में हमने गार्लिक बटर लगा लिया है और अब इसके बाद हम इस तरह से ना ये पनीर के पीसेस रख देंगे। बहुत तेज गरम नहीं करना है, पहले बस हल्का गरम हो जाए। बटर डालते ही फिर हम पनीर के पीसेस इस टाइप से लगा देंगे। और ये मेरा ना बहुत छोटा सा क्यूट सा पैन है, बहुत ही छोटा सा। आप देख रहे हैं ना, गैस बर्नर के भी बाहर नहीं आ रहा है ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे सेट बैठ रहा है। तो बहुत छोटा सा पैन है, उसके अंदर हम ये यम्मी सी डिश बनाने जा रहे हैं। ये हमने ना जीरा और नमक को मिक्स करके इसमें डाल दिया, भुना हुआ जीरा और नमक स्वाद के अनुसार, ठीक है। इसको ग्रिल करेंगे अब दोनों तरफ से। और ये ना विनोद का पैन है, मैं अमेज़न अपने उससे लिंक डाल दूँगी, अमेज़न से लिया है मैंने, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। अभी पहले सिका नहीं है, हमें और इंतज़ार करना है। अब हम ना पनीर को पलट लेंगे। ये देखिए इस टाइप से कुछ लाइन्स आ जाएंगी, है ना, बढ़िया। ये देखिए कितनी अच्छी, ये तवे पे ही हो जाती है, घर में ही। बस ध्यान से आपको पलटना है, देखिए धुआं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा थोड़ा जीरा और नमक हम इस तरफ भी डाल देंगे, बहुत सुंदर लग रहा है। एक पीस हमने और ऐड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो घर में बच्चों को आप ऐसे भी दे सकते हैं, सीधा नमक जीरा लगा के भी आप ऐसे सेक के ना ग्रिल करके बच्चों को दे सकते हैं। अब जो पनीर सिकता जाएगा ना, उसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे ये सिक गए हैं ना, तो हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पनीर जो है वो सिक गया है। छोटा पैन है इसलिए हमने देखिए गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि गर्म हो गया था काफी। अब हम इसमें डाल देंगे बटर, थोड़े से तिल, 1 टीस्पून के करीब। गैस को बिल्कुल बंद रखना है, नहीं तो तिल ना जल जाएंगे। और अब हम इसमें केचप डाल देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब डालिए हमने। और अब ये हम जो सब्जियां हमने रखी थी, शिमला मिर्च और प्याज लंबा लंबा काट के, इनको डाल देंगे और थोड़ा सॉटे करेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है और अब हम इसको ऐसे हल्का सा सॉटे करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट डन है, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, क्रंची ही रखना है। देखिए सॉस सारी सूख गई है, बटर भी सूख गया है, गैस हमने ऑफ कर दी है और ये रेडी है अब उस पर डालने के लिए पनीर। वाह, कितनी यम ये रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। बहुत जल्दी से बना के आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं, बड़े बच्चे कोई भी खाएं। और ये देखिए हमारा ये झटपट बनने वाला ग्रिल पनीर तैयार है, है ना मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इवनिंग स्नैक्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।